अकोला के पातुर तहसील स्थित भूमि अभिलेख कार्यालय के कर्मचारियों की मनमानियों, सुस्त काम और लापरवाही से किसान परेशान। पातुर तहसील में भूमि अभिलेख कार्यालय है और ये कार्यालय किसान हित के लिए हर तहसील में मौजूद होता है, लेकिन पातुर तहसील और इसके ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले किसानों को इस कार्यालय के कामकाज और यहाँ के कर्मचारियों से काफी शिकायत है। इसी को देखते हुए 19 जून 2023 को कई किसानों ने एक साथ जमा होकर इस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पहले तो इस कार्यालय में ना कोई जिम्मेदार कर्मचारी नजर आता है और ना ही यहां पर हमें किसी तरह का सुविधा मिलती है। जब भी हम आते हैं हमें उड़वा उद्वी के जवाब दिए जाते हैं। हमारी किसी भी समस्या का समाधान यहां नहीं मिल पाता है। हमें खाली हाथ और निराशा के साथ अपने घर वापस लौट जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि दिन दिन भर यहां पर हमें अधिकारियों व कर्मचारियों का इंतजार करते हुए बैठना पड़ता है, लेकिन सुबह से शाम तक कोई जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी यहाँ नजर नहीं आता। किसानों के हित के लिए यहाँ पर ना ही कोई सुविधाएं है और ना ही यहाँ से कोई सहायता मिलती है। किसानों का ये भी कहना है कि यह कार्यालय सरकार द्वारा चलाई जाती है और यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी अपने फर्ज को अंजाम नहीं देते। इसी मामले की शिकायत करते हुए सभी किसान वर्ग पातुर तहसील कार्यालय पर भी पहुंचे, जहां इस विषय में किसानों ने माननीय तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम है वैशाली प्रहलाद रावचा, धान और वाड़ेगा। मेरे खेत की मोजनी एक साल पहले हो गई, लेकिन उन्होंने मेरे खेत की जो निशानी थे वो दिए नहीं अभी तक। और हम एक साल से यहाँ आते जाते रहे, लेकिन वो मुख्य कार्यालय प्रमुख यहाँ उप अधीक्षक वो हाजिर ही नहीं रहते थे। बोलते थे छुट्टी पर है, उधर काम है अकोला में, ऐसे हमें कारण बताते थे और हम वापस जाते थे। लेकिन आज मंडे है, मैडम बोल वो सर बोले थे मंडे को मैडम हाजिर रहेगी, लेकिन मैडम आज भी हाजिर नहीं थी। आज दिन के 4 बजे है, मैडम 4 बजे आई ऑफिस और उन्होंने कहा कि जो आपको करना है वो करो, आप यहाँ भीड़ जमा कर रहे हैं तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ एक साल हो गए मोजनी को, ये आपकी मोजनी की निशाने कैंसिल हो गए, आपको फिर से करना पड़ेगा, मोजनी के पैसे भरने पड़ेंगे और फिर से करना पड़ेगा। लेकिन पंचायती दोन की वो मोजनी है, वहाँ तहसीलदार के आदेश है, उसमें हमने वो मोजनी दो बार पैसे भरे है उसके, और फिर भी वो बोल रहे तीसरी बार भी भरो। एक साल में उन्होंने निशाने दिए नहीं हमें खेत के, पंचायती दोन की मोजनी एक तो फिर से होती नहीं है। लेकिन हम वो बोल रहे हैं फिर से भरना पड़ेगा आपको पैसे, हमने बोला क्यों भरेंगे तो, लेकिन वो बोले पंचायती दोन का आदेश का एक ही बार होता है और वो मैडम बोले थे हमें कुछ पता नहीं, एक साल से ये काम कर ये पहले करना चाहिए था, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, उनका है। जो एक महीने के अंदर उन्होंने हमें परमानेंट जो निशानियां थी खेत के वो देने चाहिए, लेकिन उन्होंने दिए नहीं। और ये दे नहीं तो वो बोल रहे थे हम पुलिस केस करेंगे, आप ज्यादा ही आप भीड़ करेंगे तो, बार बार हमें धमकियां देती है पुलिस केस की। और हम सेक्टरी बोल रहे थे उनको ऊपर कार्रवाई करते थे कि वो मैडम यहाँ हाजिर ही नहीं रहती, जब भी हम आते थे वापस जाते थे। 2023 उपाध्यक्ष भूमिलेख कार्यालय में आया हूँ और मैं सवेरे 11 बजे यहाँ पे आया हूँ। सवेरे 11 बजे से तो अभी तक यहाँ ऑफिस में कोई कर्मचारी, जो जवाबदार कर्मचारी कोई नहीं है। उपाध्यक्ष जो भी हाजिर नहीं थे और मैंने जो कुछ जो हाजिर थे उनको उनसे बात किया, बोले भाई वो अधिकारी हाजिर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, आने के बाद में आप उनसे बात करो। और कुछ तो भी ऐसा चलता फुरता ऐसा जवाब उत्तर दे के हमको उन्होंने अभी तक रोका। 4 बजे उपाध्यक्ष यहाँ पे आए, आने के बाद में उनको हमने हम बताया कि भाई मेरे गांव की जो मोजनी किया है तो गांव थाना जो मोजनी जब होती है तो ग्राम पंचायत को बताना चाहिए। वो बोले हम वो बताएंगे नहीं, वो जो लोग हैं वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है, आपको जो क्या करने का करो, ऐसे उद्धत शब्दों में उन्होंने हमारे से बात किया है। और हम पुलिस को वो बताएंगे तुम ज़्यादा यहाँ भीड़ करेंगे तो। ये जो अशोक जी है उन्होंने एक जो हमारे साथ में किया, एक लोक प्रतिनिधि हूँ मैं, माजी सरपंच हूँ, अभी फिलहाल ग्राम पंचायत में मेरे घर से मेरे मिसेज सरपंच है, वो भी हमारे साथ में है। और उन्होंने बोलने के बाद में उन्होंने हमारा इस शब्द का दुरुपयोग कर अपमान किया है। और आज हमारे किसान लोगों के लिए यहाँ पे आके इतना चक्रा मार रहे हैं कि उनके सब खेती के काम रहते हैं और सब उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको वो
एक काम एक चक्कर में होना चाहिए, वो 10-10 चक्कर मारने के बाद भी नहीं हो रहा है। इसीलिए आज जो कर्मचारी यहाँ पे हाजिर नहीं है, गैर हाजिर है, उन पर कायदे से कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग।